हो जाएगी पढ़ाई। अब इनसिक्योरिटी हो रही है मेरे को। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू वियन्ना न्यूज़ व्लॉग। सो आज की शुरुआत हो रही है आफ्टरनून से, एंड मतलब मेरी इसके नहीं, आज हमारे लड़के ना मोहल्ले के पराठे बनाए थे गाइस। इसका पेट साफ रहा है, पू करती रही है इसलिए, क्योंकि पूरे हफ्ते तो कुछ नहीं खाती, तो फिर मोहल्ले का पराठे पेट सही करने के लिए तो खिलाने पड़ेंगे। हमारी लड़की ने आज बनाया था ब्रेकफास्ट, जैसे कल आपने देखा था कि मैंने बनाया, आज हमारी लड़की ने बनाया। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस, क्योंकि हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं इसको लड़के को लेके फिर से वेट के पास। ये पता नहीं कितना ही वेट के पास जाता है, एक्चुअली ना ऐसा बीमार बीमार तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें दिखे ऐसे लगता है हमें कि थोड़ा सा लेजी है, पानी ज्यादा पी रहा है ऐसा। और उसके बाद बात भी यह है कि अभी कुछ टाइम के बाद इसको ट्रैवलिंग करनी है, तो उसके पहले ये बिल्कुल फिट एंड तंदुरुस्त रहना चाहिए, अदरवाइज ट्रैवलिंग अलाउ नहीं की जाती। yes, तो अभी हम चलते हैं इसको लेके, लेट्स गो। और ट्रैवलिंग के बाद आगे होगी तो उतना ही है, कम हुआ है, पानी पी पी के गुजारे कर रही है, वेट कम हुआ। अशोक कहाँ गए आप, रुको डांटेगी तेरे को, ऊपर जाना है गाइस। आगे आइए अपनी जगह पे, लोग बैठ के डरते हैं। मैं तो हैप्पी होता हूँ, मैं अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के पास आया हूँ, क्योंकि ये देखो पप्पी टाइम। ये खुशी देख ले इसकी, स्माइल देख ले इसको, बड़े मजे आ जाते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरा कचरा, हाँ संडे की ड्यूटी शुरू करते हुए ईवी शर्मा के साथ, बज रहे हैं दोपहर के 2 और ईवी शर्मा लग चुकी है अपने काम पे। तो गाइस आज देखते हैं पूरे घर की हालत कैसी होगी इस सफाई के बाद। कुछ चेंजेस कर रहे हैं हम गाइस, कुछ चेंजेस कर रही है ये लड़की, तो देखते हैं क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये जूड़े में अपना फाउंटेन वाले बाल लेके क्या करना चाहेगी, बिल्कुल झबड़ीली औरत। इतने सारे जूते निकाल दिए गाइस, देखो ये थैला भर के, प्लस मेरा BMW गया अंदर, मेरा फरारी भी गया अंदर, चलो किसी बार ने कोई पहन लेगा, ऐसे ये फटे वटे कुछ नहीं है, तो यस समवन विल वेयर। तो इतने सारे जूते निकल गए हैं, ये वेस्ट हो रखे थे, बेस्ट गाइस, ईस्ट और बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ओके गाइस ये लो टाटा बाय बाय। गाइस जैसा कि घर की सफाई हो रही है, और उसका को देखो पीछे से कैसे निकला एकदम विंडो में से। सफाई हो रही है, मेरा ऐसा वो नहीं बोलना चाहिए, मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि घर में सफाई हो रही है, तो साथ साथ नानू भी कुछ अलग अलग चीजें कर रही है। तो ये देखो ये वो प्लांट स्टैंड है जो आपने इसके इंस्टा पे देखा होगा, प्रमोशन में आया था, तो ये प्रमोशन में हमने ना प्लांट स्टैंड रख दिया था वापस, बट आज हम सोच रहे हैं कि इसको लगा के कहीं तो सेट कर दें। तो अभी नानू कर लिए इसको सेट, और उसके बाद हम कहीं करेंगे प्लेस रूम में, लेट्स सी क्या होता है, कहाँ पे लगाया जाएगा। तो बहुत मेहनत लग रही है गाइस, इसमें मैं हेल्प करा देती हूँ थोड़ी सी नानू की, सब करा रहे हैं इन्होंने, धीरे धीरे इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आज नानू नहीं आई है, प्रीनम के अपन लिस्ट पहले होगा कि बाद में होगा, इनकी इनकी पहले डिमांड सुन लो। हाँ मैं बोलती हूँ, क्लीन अप, नेल कराने हैं, अभी हेयर कट भी कराने हैं। तो आज नानू नहीं आई है, तो नानू की दीदी या बहन आई है, नानू तो वैसे भी कुछ नहीं कराती देखो, तो मैं आज अकेले दल झेलने आई हूँ। नहीं नहीं अपर लिप्स में तो नॉर्मल थ्रेडिंग लास्ट हो जाएगा, एंड में करेंगे, एंड में एकदम वैक्स करवा ली। वैसे नानू आती है, नानू यहाँ बैठती है, डुबू यहाँ बैठती है, हम इतना गप्पे मारते हैं यहाँ पे, और जो बस सही से आती है, हाँ डुगू आती है, वो नहीं आए कल, आई थी चली गई वापस कल, फिर मैं इधर नहीं आ पाई उनवे, हमारा ना डे फिक्स है, ये सेकंड वीक महीने का मैं यहाँ पे ही होती हूँ, मेरा ना साल में एक बार फिक्स है। दीदी का साल में एक बार यहाँ फिक्स है इंडियाना, वो तो है ही भाई, फास्टिंग वैक्सिंग इधर ही। वैसे यहाँ पे आपको पता ही है कि 4 लोग बैठ जाते हैं, पैक्स होते हैं आधे घंटे में डन मेरी पूरी, मौका मिला है तो हम आ गए थकान भी हो रही है आज। वैसे ओके गाइस, तो
आपको हमारे दिन का जो व्लॉग दिखा था कि हम कर रहे थे सफाई, और हम तो वैक्स भी कराए थे। अच्छा, वैक्स भी कराई थी। तो पहली बार गाइस आपने देखा होगा कि ये लड़की वैक्स कराने अकेले गई थी। हाँ, वैक्स में जो वहाँ जो आंटी हमें वैक्स करते हैं, वो सारे वो सारी सारे पूछ रहे थे। मैं जैसे एंट्री करी, अरे आपके दोनों लोग कहाँ गए? क्योंकि डुगू और नानू दोनों ही साथ जाते हैं, तो अक्सर डुगू यहीं पे होते जब मेरा वैक्स कराने का टाइम होता है। तो मैंने कहा आज वो दोनों नहीं आए, आज मैं नानू की दीदी को लाई हूँ साथ में। तो दीदी आपने देख ही लिया ऑलरेडी। तो गाइस वैक्स वाली आंटी भी अब मेरे लिए पूछती है। भले वो लोग मुझे जानते नहीं है, फिर भी गाइस ये देखिए, उलझे हुए लटे सुलझे हुए बाल, बना रही है कल का लंच, कर रही है कुछ कमाल। ओह माय माय, धमाल, क्योंकि घर में आ रहा है खाने का सामान। क्या बात है, ओह माय, क्या लाए होंगे गाइस। देखो तो गाइस देखो, कल के ब्लॉग के बाद किसी ने तो कमेंट किया है कि यार कनाडा क्या है, कहीं भी ले चले आपको, आप बस आई लव यू टू मच लव्स हो रहे हैं गाइस उधर। मैं तो अब इनसिक्योरिटी हो रही है मेरे को कि कनान को कोई कनाडा ले जाएगा अपने साथ। गाइस मेरे को कॉल बने पूछ रहा, अब मेरे को कॉल लगा जाएगा कैसे चलेगी गाड़ी। ओह माय माय, नानू को जाएगी पढ़ाई, नानू को जाएगी पढ़ाई, बस जरा बताना कैसे किया है। चले जाइए कनाडा, नहीं नहीं, जिसने भी इतना प्यार भरे कमेंट कर रहा है जो नानू के लिए, लव यू सब यू, हम ले जाएंगे आपको कनाडा, क्या दिक्कत है, अगर तुम ले गए अगर हमारी नानू को, तो हमारी नानू हो जाएगी पढ़ाई। अब नानू हो गई पढ़ाई तो फिर मेरा क्या होगा मेरे भाई? सो गाइस होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि नानू हुई पढ़ाई, मतलब पढ़ाई क्या ही यार, मतलब की दुनिया है गाइस, मतलब भी है लोग यहाँ पर, मतलब भी है नानू। अब आगे क्या बोला मैंने भाई, अरे तुम हमेशा ब्लॉग कैमरा लेके ऑन हो जाती हो यार, पर कुछ बातें हैं अपनी पर्सनल होती हैं। अरे तो बता तो दो, अब बना क्या रहे हो? शाही पनीर है, शाही पनीर है, शाही पनीर चपनी, ये वाला सामान डाल रहा उसमें, एक काजू, इधर क्रीम, इधर दूध, तो शाही पनीर पर एक चेक ले, शापी शापी क्या ब्लॉग जा रही है। सो गाइस बन रहा है शाही पनीर, और शाही पनीर बन रहा है डिनर के लिए नहीं, कल के लंच के लिए, क्योंकि कल से हमारी बैक टू रूटीन होने वाली है। एक दिन की छुट्टी वाज लाइक, मेरे को तो छुट्टी वाली फीलिंग ही नहीं आई है, मेरे को समझ ही नहीं। आज मैं तेरी तो हाथ लेगा बाबू, तेरे को मुंह में नहीं डालते हाथ, डांटना पड़ता है, क्या कर सकता है। ओह गॉड, इट वाज लाइक 11 बजे सो के उठो, घर की सफाई करो, नहाओ धो, वाओ हमारा घर इतना ज्यादा साफ है कि लोग स्लिप करके गिर रहे हैं। बात है, हमारी लड़की ऐसी घर की सफाई करती है कि लोग अपना चेहरा देख ले। ओह माय गॉड, इसलिए घर में शीशे कम लगाते हैं, हम नीचे देख लेते हैं। एक झाक ले गए, हमारे घर में हमने शीशे बहुत ही कम लगाए हैं, तो जब भी हमें देखना होता है हम ये ऐसे टाइल्स की तरफ ऐसे करते हैं इशारा, और देखो इतनी साफ सुथरी टाइल्स है कि हम अपने आप को भी देख पा रहे हैं। ओह माय माय, तो गाइस ये लड़की यहाँ है, मैं वहाँ पे टाइल्स में हूँ। वाओ, ये किचन के साफ भी नहीं करती, पर ये साफ कर रहा है थोड़ा। और हमारी लड़की सब साफ कर देती है, बहुत साफ करती रहती है, जगह को साफ ही करती रहती है। इतना से डाल रही है, व्हाई? अरे बहुत है, अरे डाल दे आधा, आधा डाल दी ऑलरेडी, डाल दे, खाई जा रही है आधा, तो पता नहीं क्या ही डालेगी, आधे से ज्यादा खाई जा रही है भाई, ये सब्जी बनाने से ज्यादा ऐसे ही खा रही है। देख कितने पनीर हैं, देख भाई, देखो पनीर दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। ओह, अरे डाल ले आधे और डाल ले, सुपर है। सो गाइस यहाँ बन चुका है कल का लंच तैयार, इतनी जूम में अच्छी नहीं लगती लड़की। तुम कहाँ मेरे को लेके आए? ओके गाइस टाटा बाय बाय, मिलता थोड़ी देर के बाद।
इस खाने का टाइम हो चुका है, तो आज खाना जो आपने देखा वो तो बनाया गया है कल के लिए, लेकिन आज के लिए खाना आ चुका है और मंगाया गया है कहीं बाहर से, इस मेनलैंड चाइना, सीधा हम चाइना के मेनलैंड से खाना मंगाते हैं हम लोग, छोटी मोटे चीजों से नहीं मंगाते, ठीक है, चाइना से खाना आया है चाइनीज, और उस चाइना से जो खाना आया है वो चाइनीज खाना, वो क्या है दिखा देते हैं। तो आज के डिनर में है नूडल्स विद व्हाट्स दैट, कुछ तो है नाम, कॉटेज चीज विद वेजिटेबल्स, उधर भी कुछ है, उधर वो सूप है, इधर मेरे सूप में नूडल्स मिला के, कॉटेज चीज एंड वेजिटेबल हॉट पॉट, हॉट पॉट नूडल्स तो टेस्टी है, मैंने पहले कभी भी आती थी ना से मेनलैंड चाइना, जो खाना मंगाया था ना वो इतना ऐसा निकला कि मुझे उसके बाद में रोटी बनानी पड़ गई, एंड फाइनली रोटी से पेट भरा है मैंने आज रात को, जो मैं बहुत टाइम बाद खा रही थी। तो आपको ना एक और चीज़ दिखाने दी कि हमने क्या चेंज किया थोड़ा सा जो हम कर रहे थे, तो वो था मैंने ऑलरेडी फैला दिया है, जैसे आपको पता है कि आजकल हम सोफे पे सो रहे हैं दोनों भाई, ये इधर मैं उधर, तो हम लोग यहाँ पे ये प्लांट स्टैंड लगा रहे थे, तो मैं लड़के को सोफा कहीं चिपक दी थी, चिपक ले आएगी। सो गाइस ये देखो हमारा प्लांट स्टैंड, ये हमारा प्लांट पारे पारे, और ये वाला भी एक प्लांट का है बट इसमें प्लांट लगा नहीं है, तो ये लगाना है, तो इसको अभी थोड़ा सा और अच्छे से जब बन जाएगा तब उस दिन आपको दिखाऊंगी, अभी घर फैला हुआ है, तो जिस दिन घर थोड़ा सा हम ये सब समेट देंगे उस दिन आपको अच्छे से दिखाऊंगी कॉर्नर, प्लांट कॉर्नर बनाया हमने। हाँ और दीदी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, एक्चुअली मुझे भी नींद आ रही है, 11 बज चुके हैं और आज हम अब भी सोने जा रहे हैं, वी आर गुड गर्ल्स टुडे, वी आर गुड गर्ल्स, आशु आप भी अच्छे बच्चे हो, आप गुड बॉय हो। तो गाइस एक्चुअली में ये हो गया है कि मुझे पता नहीं खाना खाने के पहले ही वॉमिट वाली फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों, और अब इनको तबियत खराब हो रही है इसकी, शी इज नॉट फीलिंग गुड, क्योंकि वो अजीब सा हो जाता है ना, मन खराब हो जाता है वैसा हो रहा है, तो अभी ऐसा हो रहा है कि बस सो जाएं, बहुत ज़्यादा थके थके से फील कर रहे हैं अपने आप को, वरना हम 1 बजे से पहले जाते हैं क्या बेड पे, 12 बजे तो हम बेड पे जाते हैं, 12:30 और आज हम 11 बजे सोच रहे हैं कि फोन वोन भी ना देखें और सीधा सो जाए एक्चुअली, क्योंकि फिर सुबह जाना ही है झाड़ू पोछा करके खाना वाना बना के घर ऑफिस जाना है। गाइस खुशखबरी ये है कि बैंक ने ऑल सैटरडे संडे छुट्टी कर दिया, तो हमारे ऑफिस में ना ऐसा है कि बैंक हॉलीडेज माने जाते हैं, तो अब ये वाला डील भी हमारे ऑफिस वाले मान ले तब ये बात है हमारे लिए खुशखबरी, मान सकते हैं मेरे वाले तो क्या ही बोले, हम लोग कब से पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे सारे सैटरडे छुट्टी हुआ करती थी और फर्स्ट डे हाफ डे होता था, फर्स्ट सैटरडे हाफ डे होता था, तो इस काइंड ऑफ अ छुट्टी, तो अभी कुछ टाइम से ऐसा कर दिया है कि फर्स्ट और थर्ड जाना पड़ेगा ऑफिस और सेकंड और फोर्थ छुट्टी कर दी है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो हम कब से पीछे पड़े हुए थे, और हमारे जो HR है नीति आप जानते हो, उसने भी बंदी ने भी MD से इतनी बार बात कर ली है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, बट वो एक्चुअल रीज़न उसका वही बोला जाता है कि बैंक भी अगर 2 दिन काम कर रहा है तो ऑफिस भी 2 दिन काम करेंगे, बट कल रात से ही ये कन्फर्मेशन आई है कि बैंक भी अब सिर्फ 5 दिन काम करेंगे, तो लेट्स सी। तो बात ये हो रही है कि क्योंकि हमारे ऑफिस में ना बैंक हॉलीडेज माने जाते हैं सारे, तो अगर ये भी आया है रोल तो ये भी होना चाहिए, अगर ये हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ओके इतने बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले, आ चकना चकना आ चकना, ओके गाइस कुछ आवाज आ रही है से, गाइस चलो अब हम टीवी भी बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ आवाज़ भी आ रही है, लेट्स चेक इट आउट कि कुछ है तो नहीं, और सो जाते हैं, बाय बाय, गुड नाइट टू डर्स किचि किचि गुस्से, आई लव यू, आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में, सबके लिंक, बाय बाय, गुड नाइट टू डर्स, टिंग टिंग।